خير الخلق كلهم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد. السلام عليكم, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे. आज का ब्लॉग शुरू करते हैं जी यहाँ से. और देखें, ब्लॉग स्टार्ट करते ही मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत जगह. माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है. ये है जी, कौन सा डैम है जी? रफीसा डैम. मैं खुद पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पे. साथ साथ मैं आपको ये डैम दिखाऊंगी, साथ साथ आप ये देखें कि हम कितनी खूबसूरत जगहों से गुजर के यहाँ पे आए हैं. पहले आप जल्दी से जाके वो वाले क्लिप चेक करें. गाड़ी देखिए बिल्कुल न्यूट्रल पे है ये देखें, और ये खुद ही भाग रही है. कह रहे हैं कि 120 तक अभी जाएगी क्योंकि हम लोग डाउन जा रहे हैं, है ना? बस जैसे वादिया जीत है ना, नहीं हुई ऐसे ही. अच्छा, तो ये भी ऐसे ही है. मतलब वादिया जिनकी तरह है कि गाड़ी देखे कहते हैं ना कि खुद ही भागती है, तो इस तरह देखिए एन के ऊपर है, न्यूट्रल के ऊपर है. देखिए यहाँ पे भी ये देखिए एन पे है, न्यूट्रल पे है गाड़ी. और इसका स्पीड क्या है, 113? हाँ कह रहे हैं कि हाँ बहुत तेज हो रही है गाड़ी, लेकिन ये खुद ही से कम कर रहे हैं. लेकिन ये देखें गाड़ी खुद ही जा रही है, सो कहती है रेस भी नहीं दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ वादिया जिन वहाँ भी नहीं है, वादिया जिन यहाँ पे भी है. बच्चे तो इतने खुश हो गए हैं ना, माशाल्लाह. मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा क्लाउडी हो रहा है लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है. सेल्फी लेते हैं ठीक है यहाँ पे. ये जगह इतनी प्यारी है ना कि आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे तस्वीरें लेने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए. ये देखें इतनी खूबसूरत जगह है ना. ये उधर से हम लोग फिलहाल नीचे जा रहे हैं क्योंकि डैम की लोकेशन है ना वो नीचे से भी है. मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है जगह. दुख हो रहा है क्योंकि शायद मे बी कि थोड़ा आधा घंटा हम लोग लेट आए, लेकिन ये जगह बहुत प्यारी है. देखें आपको क्यों, ये जगह देखें बहुत खूबसूरत है. मैंने इतनी पिक्चर्स क्लिक किया मेरा फिर भी दिल नहीं भर रहा क्योंकि यहाँ की लाइटिंग है ना बहुत ही खूबसूरत आ रही है, और जो क्लाउड्स है ना उनकी वजह से पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आ रही है. अब छोटी छोटी सी डिटेलिंग देखिए, जो फ्लावर्स है ना इनके जो कलर्स है ना पिक्चर्स में बहुत प्यारे आ रहे हैं. लो जी मैं बच्चों के लिए तो मिल गया जी प्ले एरिया. चलो चलो बेटा आप लोगों को प्ले एरिया में लेके जाएं. ओला ओला खुशियाँ चेक कर लो भाई. ये देखें सब लोग यहाँ पे ना कैकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं. अच्छा हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक तो वैसे भी हम थोड़ा सा लेट हैं, और दूसरी बात है कि हमने हट्टा डैम पे की थी. अब बहुत मज़ा आता है लेकिन बच्चों के साथ ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे बहुत वो मतलब क्या क्रेजी बिहेव करते हैं क्योंकि उनको पानी को टच करना होता है. और जाहिर है मेरे तो तीनों बच्चे छोटे हैं, बट खैर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोग एक दफ़ा कर चुके हैं इसलिए हमें अंदाज़ा है कि ये बहुत प्यारी चीज़ है. आइजा लीजा और मुआविया, मैंने इनको लाइन में भेजा कि लाइन में नीचे हैं, देखते हैं लाइन में नीचे आते हैं कि नहीं आते क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं. अलीजा तो आई नहीं, आइजा मुआविया आ गए. अलीजा किधर? नीचे आ गए हैं बच्चे. कितना खूबसूरत लग रहा है इस पानी के गिरने की आवाज.
डैम से थोड़ा सा आगे करके ना मुझे ये जगह नज़र आई, तो मैंने कहा कि यहाँ पे रुकते हैं, पर पता नहीं क्या जगह है क्योंकि इसकी कोई लाइट ऑन नहीं है, बट ये पहाड़ के ऊपर ना ऐसे घर से बने हुए और सबसे ऊपर जाके मुझे ऐसे लगे जैसे कोई किला बना हुआ है, तो लाइट चल पता है इसकी कोई ऑन नहीं है और हमें इस जगह का नाम भी नहीं पता। करिया नजर मकसार, करिया मन विलेज, अच्छा इसका मतलब है विलेज नजर अल मकसार, ये कह रहे हैं कि अल मकसार विलेज है ये, अलबत्त खैर ये शेख का नाम लिखा हुआ है तो जी इनका कोई ये विलेज विलेज है बहुत प्यारा। हम लोग सोच रहे हैं कि देख के आते हैं कि क्या है यहाँ पे, ये देखें हम लोग चल ही पड़े हैं फिर ये देखने के लिए इसको करीब से और ऊपर जाके, बिल्कुल पुरानी सी कोई इमारतें सी बनी हुई है, कोई घर बने हुए बिल्कुल ऐसा लग रहा है। हैं लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, डैम के जिस तरह नहीं है लेकिन बस हैं थोड़े बहुत लोग। मैं मुसलसल दुआएं पढ़ रही हूँ अल्लाह मैं बस हिफ्ज़ अमान में रखें, क्योंकि फिर भी अपनी दुआओं का अहतमाम करते रहना चाहिए। हेलो 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 हेलो, अरे भाई बहुत ऊंचा है तो, लेट्स गो लीली। ये लग रहा है कि ये प्रॉपर बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे वो फायर एक्सटेंशन भी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये लोग इसकी टेक केयर कर रहे हैं। यहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह बनी हुई है, बट परसों बारिश हुई थी ना जिसकी वजह से, क्योंकि वो वज़ू के लिए जगह बनी हुई है, परसों बारिश हुई है ना तो उसकी वजह से शायद यहाँ पे पानी हुआ है। अरे भाई मैं तो थक गई, मुझे नहीं जाना और ऊपर, और बताइए भी खैर उसी घर का हिस्सा है तो जहाँ पे हम जहाँ से हम लोग आए हैं ना डैम के पास से, वहाँ प्रॉपर मस्जिद बनी हुई थी नमाज़ पढ़ने की जगह ना, लेकिन मैंने कहा कि हम रोशनी रोशनी में इसको देख लेंगे जो कि ये विलेजेस थे ना, लेकिन खैर फिर भी अंधेरा तो हो ही चुका था, तो अब फिर यहीं पे नमाज़ पढ़ लेते हैं फिलहाल, तो देखते हैं आगे भी एक और जगह छोटी सी देखी हुई है शायद अब वहाँ पर जाए ना। कभी कभी इतना सुकून आता है ना इस तरह बिल्कुल खाली जगह पे बैठ के नमाज़ पढ़ने का, और शायद कैमरे से आपको नज़र ना आ रहा हो इतना खूबसूरत सीन है ना सामने, और बच्चे अपने खेल में बिजी हुए हैं, ये देखें शायद नज़र आ रहा हो फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे अपने, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर भी सारी माउंटेन्स हैं और इधर भी सारी माउंटेन्स हैं, और ये सीन इस वक्त इतना अच्छा लग रहा है ना, साथ में आप देखें चाँद को, माशाल्लाह अल्लाह इतने प्यारे प्यारे सीन आप सब लोगों को भी दिखाए इंशाल्लाह, आमीन। तो प्यारा सीन है, हम पानी में से गुजर रहे हैं, ये डैम का पानी है जो यहाँ पे आ रहा है ना, हम जाते हुए भी यहाँ पे से गुजरते हैं, आते हुए दोबारा से यहाँ पे से गुजर रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा है, बच्चे खुश हो रहे हैं, ये देखेंगे हमें कितनी प्यारी जगह मिली है, और हम लोग मना नहीं हो सके और हम खड़े हो गए आके पानी में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग हैं ना वो बैठे हुए, ये देखिए वो है जी आयजा लीजा, ये देखिए, और आप चेक करें कितना साफ पानी है, कितना साफ पानी है, और इतना ठंडा पानी है तो ठंडे मौसम में और अच्छा लग रहा है पानी में बैठना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, दोबारा बोले मुझे भी अच्छा लग रहा है गाइस, क्या कह रहे हैं आप, लाइक कर देना भाई चैनल को, थैंक यू माविया मामा की प्रमोशन के लिए आपको नहीं आना नीचे, नहीं नहीं भैया आते, कह रहे ठंडा पानी है के जी, यहाँ पे आके रुके हैं हम लोग क्योंकि कुछ खाते पीते हैं, भूख बहुत शदीद लग रही है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मेरा ख्याल है कैफेटेरिया से ही कुछ खाना पड़ेगा, कोई बर्गर शॉर्मा वगैरह, बट खैर अभी खाते हैं देखते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी खुशकिस्मती से हमने यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल गया, तो हम इस वाले रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं अपना, ये हम लोग इस पर ताज़े ताज़े पकौड़े बनवा रहे हैं, शुक्र है एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमें नज़र आ गया, चिकन कढ़ाई मंगवाई है साथ में और रोटी, मेरा दिल कर रहा पकोड़े दही और बस रोटी, सच में ठंडी हवा चल रही है इस वक्त बाहर, थैंक यू भाई, लगी भी हो ना तो ये सादा सैलेड भी बहुत मजे का लग रहा होता है, इतने फ्रेश पकोड़े दही और रोटी,
मजा आ जाएगा। आज का खाना रोटी पकोड़ों के साथ दही और ये है जी चिकन कड़ाही, बहुत मज़े का लग रहा है। और रोटी है ना, इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा, इतनी गर्म है। और पकोड़े भी बिल्कुल ताज़ा निकाल के दिए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मज़े का खाना था, शुक्र है अल्लाह का। अब जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ। मैं मिलती हूं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि घर जाती बस मैं बच्चों को सुला दूंगी, बच्चे बिल्कुल थके हुए हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।